क्योंकि मुझे ये पता है कि यदि कैलकुलेशन आपके फास्ट हो जाएगा तो कोई भी टॉपिक यदि हम पढ़ाते हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, या ज्योमेट्री हो, या मेंसुरेशन हो, या प्रोबेबिलिटी हो, इन सभी टॉपिक को एक टेक्निक तो हम दे देंगे। बस उस टेक्निक में भी आपको एक काम करना होगा, वो है कैलकुलेशन। तो इसलिए कैलकुलेशन आप पहले फास्ट कीजिए, और इतना फास्ट कीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम 33 सेकेंड में किया जा सकता है। चलिए आज की क्लास में हम लेंगे मल्टीप्लाई, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, हमारे एग्जाम के लिए। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कई तरह के हम बताएंगे। एक नेचुरली कोई भी 2 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। चलिए एक करके हम सीखते हैं। यदि कोई 2 डिजिट का आपको दिया जाए, जैसे हमने दिया 82 45, क्या दिया 82 और 45, ये 2 डिजिट का है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। आई होप यदि आपका टेबल 10 तक याद होगा तो आप इसे 2 सेकंड में कर देंगे, यदि नहीं होगा तो 5 सेकंड में तो कर ही देंगे, ये तो उम्मीद है मेरा। चलिए पहले स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ये दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये होगा फर्स्ट स्टेप। सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, 5 2 10, कह रही कितना हो गया 1। पहला स्टेप क्लियर है। सेकेंड स्टेप में ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 8 5 जा कितना होता है 40, और 4 2 जा 8, तो हमारा कितना हो गया 48। कैरी 1 था तो 49 हो गया हमारा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि ऊपर ऊपर निकल गया है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप मेंटली कैलकुलेशन करें, इससे मल्टीप्लाई किया तो 40 हुआ, इससे किया तो 8 हुआ, तो 40 और 8 48 हो जाएगा, कैरी 1 है तो 49 हो जाएगा। अब हमारा कैरी कितना हो गया 4, गेटिंग। अब ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। तो कितना हो गया, 8 4 जा कितना होता है 32, 32 और 4 कितना होता है 36, दिस इज द आंसर। यानी आपको क्या करना है, पहला स्टेप इसको फॉलो कीजिए, और सेकेंड स्टेप ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, और थर्ड स्टेप इसको कीजिए, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। एक एग्जांपल लीजिए, रेडी, 42 24, डू हरी अप। सी, हमने क्या बोला आपको कि इसको मल्टीप्लाई करना है पहले स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, 4 2 जा कितना होता है 8, सेकेंड स्टेप कितना हो गया 16 और 4 कितना होता है 20 0, और कितना हो जाएगा 8, और 20 था ना ये, तो कितना हो गया 10, तो आंसर इज दिस। क्वेश्चन अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई का नेक्स्ट टाइप। यदि क्वेश्चन ऐसा होता, कोई भी डिजिट 5 से मल्टीप्लाई करना होता, 25 से करना होता, 125 से करना होता, या 625 से करना होता, कोई डिजिट बता दीजिए। चलिए मान लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 7892 से, गेटिंग। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये डिजिट अगर सब जगह पे होता तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। हम आपको एक नई मेथड देते हैं, वो मेथड देखिए, 5 के प्लेस पे 10 by 2 लिखें, कोई प्रॉब्लम है, 10 by 2 5 आ जाएगा, यहां क्या लिख सकते हैं 100 by 4 25 आ जाएगा, यहां क्या लिख सकते हैं
1000 बाई 8 125 आ जाएगा। यहां कितना लिखेंगे 10000 बाई 16, तो ये डिजिट मिल जाएगा। यानी यदि हम ऐसा करते हैं तो जीरो पुट करना तो ईजी है और हमें 16 तक टेबल भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसे याद किया जा सकता है। और अकीनन माने तो यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो टेबल याद होना चाहिए 1 to 30 तक याद होना चाहिए। यदि 1 to 30 तक टेबल याद नहीं है तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसलिए अभी से आप डेली एक एक टेबल भी याद करेंगे तो एक महीने में आप 30 तक टेबल याद कर लेंगे। तो टेबल याद जरूर करिए। चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके प्लेस पे कितना रखना है, 100 by 4, यानी 100 का मतलब 2 0, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज द आंसर। 4 से डिवाइड करना कोई बहुत ही नहीं है। तो यदि ऐसा करते हैं तो ये आपका आंसर रेडी हो जाएगा और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। चलिए इस टाइप को एक्सरसाइज कीजिए और सभी क्वेश्चन पे कोई भी डिजिट रखिए और एक बार ट्राई कीजिए क्या सही आंसर है या गलत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है, रेडी? इस टाइप का क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया है। यानी कोई 5 से मल्टीप्लाई करना हो, डिजिट कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, 5 के प्लेस पे आप 10/2 रखें। यदि 25 से करना है आपको, किससे करना है, 25 से करना है तो आप 100/4 रखें, डिजिट कुछ भी हो, ठीक है। यदि 125 से करना है तो 1000/8 रखें उसकी जगह पे, और 625 से करना हो तो 10000/16 रखें और इसी कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लें क्या सही है या गलत है। यदि गलत है तो आप मुझे अपना रिप्लाई जरूर दें कमेंट के माध्यम से। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।